हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूनाइट कोचिंग सो इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन टाउन प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स दिस द सेकंड वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू सी द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस पर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज जोनिंग अब ये जोनिंग क्या चीज है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वैसे मैंने पहले वीडियो में दिया था कि व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डिवाइड योर एरिया ऑफ द टाउन इन सच अ वे दैट यू आर गिविंग सेपरेट जोन्स फॉर द ओपन स्पेसेस फॉर द कमर्शियल एरियाज फॉर द रेसिडेंशियल एरियाज फॉर द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑल दिस जोन्स विल बी डिवाइडेड सो वो क्या है हम डिटेल में देखते हैं सी टाउन शुड बी डिवाइडेड इन टू सुटेबल जो सच एज कमर्शियल जोन इंडस्ट्रियल जोन रेसिडेंशियल जोन एक्सेट्रा एंड सुटेबल रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इच जोन हाँ ये भी बात याद रखो अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया है और एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो दोनों के लिए सेम रूल तो नहीं हो सकते है बट वेन एवर यू आर प्लानिंग अ टाउन यू शुड फॉर्म सेपरेट रूल्स अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके लिए सेपरेट रूल्स अगर कमर्शियल एरिया है तो उसके लिए सेपरेट रूल और अगर इंडस्ट्रियल है सेपरेट है रेसिडेंशियल है सेपरेट है वॉट एवर इज द जोन यू शुड फॉर्म द सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट यू शुड डिवाइड दैट दैट पर्टिकुलर एरिया इंट वेरियस जोन अब इसमें देखो जोनिंग के बेसिक uh, टाइप्स भी हो सकते हैं फर्स्ट इज वॉट मैक्रो लेवल जोनिंग एक टाइप है मैक्रो लेवल और दूसरा होता है माइक्रो लेवल वन बाय वन बात करेंगे हम लोग क्या क्या इंक्लूड होगा तो और उसके चार ऑप्शन आ सकते हैं बॉडीज हो सकते हैं क्या हिल्स रिवर्स वैलीज ओपन एरिया उसमें होंगे क्या पोटेंशियल साइड फॉर द बिल्डिंग ऑफ न्यू टाउन सिटीज उसमें आएगा क्या सो so, याद रखो लेवल जोनिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा जोनिंग मतलब क्या पूरा एरिया को डिवाइड कर देना कमर्शियल में सेपरेट, चीज तो हम समझ गए करेंगे हम लोग ऑल द नेचुरल बॉडीज स्पेशली दे रिप्रेजेंटेड इन दैट जोनिंग सो क्या क्या आएगा इसमें सी रिवर लेक्स माउंटन्स हिल्स वैलीज लार्ज ओपन एरियाज़

छह डिस्टिंग पार्ट्स आएंगे वो कौन से कौन से है देखो आ, आपका मैं इसमें में ही बता देता आगे आगे नहीं देख अभी अभी से पहले देखो अभी हमने क्या क्या किया जो बड़े-बड़े हैं जैसे कि सी हो गया रिवर्स हो गया लेक्स हो गया माउंटेन्स हो गया ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं जो बड़े बड़े नेचुरल बॉडीज है ओपन एरियाज भी जो ले रहे हैं हम लार्ज यहाँ पर वर्ड यूज किया है देखो तो वो एरिया को मैं किस में लूंगा मैक्रो में और माइक्रो में क्या के लूंगा फिर जो टाउन को सब करेंगे हम, जो करेंगे, हम सेंटर्स के लिए, वो हो सकता है तो ऐसे हम वेरियस उसको डिवाइड कर देंगे सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ व्हाट टाउन प्लानिंग और इसमें ये वर्ड याद रखो इसके छे पार्ट्स होते हैं नाउ क्या क्या है है, है, देखो, दो याद याद रखना रख लो आप लोग. लोग पर हम किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं कर सकते है नॉन डेवलपमेंट एज द नेम से नॉन डेवलपमेंट जोन नॉन डेवलपमेंट मतलब क्या जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ना वहां पर रेसिडेंशियल एरिया आ सकता है ना वहां पर कमर्शियल ना वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया आ सकता है एंड ये कहाजाम्पल यहाँ पर, पर spra इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हो तो आपका क्या होगा पॉसिबिलिटी देसपांड इन दिस डिरेक्शन तो वो एक्सपांड नहीं करना है देन इस डिरेक्शन में अगर मान लो

बेसिकली ग्रीन बेल्ट इज एन इनविजिबल लाइन डेजिग्नेटिंग नहीं है बस एक एक ग्रीन एरिया हम हम लोग क्या कर रहे रहे हैं हैं, इसको? ऐसी लाइन दे रहे जिसके बॉर्डर पे फिक्स कर दे रहे हैं जिस प्रिवेंट करें किस चीज को यहाँ पर मैंने पहले भी बताया डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एंड अलाउइंग इसके बाहर आप लोग क्या कर सकते हो डेवलप नहीं कर सकते हो और अगेन ग्रीन मीन एज द नेम से ऐसा कुछ करेंगे जहां पर डेवलपमेंट होना नहीं चाहिए देन एंड ग्रीन वेजेस हैव अ लीनियर कैरेक्टर एंड मे रन अक्रॉस द टाउन एंड नॉट अराउंड द टाउन अब ये ग्रीन बेल्ट का जब कंसेप्ट आ गया तो यहाँ पर होता है ग्रीन वेज और एक होता है ग्रीन वेजेस वेज मतलब एक टुकड़ा और ग्रीन वे मतलब पूरा ग्रीन वेव सो इसमें क्या होगा दे हैव लीनियर कैरेक्टर एंड मे रन अक्रॉस द टाउन एंड नॉट अराउंड द टाउन लीनियर मतलब क्या ऐसे बड़ा बड़ा होता जाता है ना छोटे से बड़ा या फिर लीनियर अगर इस डिरेक्शन में मूव हो रहा है तो इस डिरेक्शन में भी मूव होगा दैट इज लीनियर सो दे विल रन अक्रॉस द टाउन बट नॉट अराउंड द टाउन ये कंसेप्ट याद रखो दिस टू थिंग्स ठीक है तो ये हो गया हमारा ग्रीन बेल्ट वाला और क्या है उसमें देखिए अ ग्रीन बेल्ट इज अ पॉलिसी एंड लैंड यूज जोन डेसिग्नेशन यूज्ड इन लैंड यूज प्लानिंग टू रिटेन एरियाज ऑफ लार्जली अनडेवलप्ड वाइल्ड और एग्रीकल्चरल लैंड सराउंडिंग और नेबरिंग अर्बन एरियाज क्या बोल रहे हो देखो ये एक ऐसी पॉलिसी है ये एक ऐसा जोन है जो कि लैंड यूज यूज प्लानिंग में किया जाता है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ लैंड यूज प्लानिंग इसको यूज करना है सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इसको यूज करना है सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया के लिए इसको कमर्शियल के लिए एंड सो ऑन ठीक है तो ये क्यों करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग जो एरिया डेवलप नहीं है उसको वैसा ही रहने देना है अदरवाइज What people will do? They will encroach those areas, and that is not good for the town planners and the town. So, wildlife will be maintained, agricultural land will also be maintained. So, will is maintained, and ultimately, unauthorized development will be restricted. Okay. Now, the third principle of planning, and that is housing. Abhi housing? Kya hai housing has to be carried uh, carefully studied and डिड टू सूट देशन जब हम लोग हाउसिंग स्कीम्स निकालते तो मुंबई पूना बैंगलोर जैसे में, जब क्या होता है टाउनशिप के जब प्लान्स आते हैं तो उसमें हमको हम क्या करते हैं जो हाउसिंग स्कीम्स है उसको डिवाइड कर देते हैं टू बी हम लोग बिठाते हैं थ्री बी के सेपरेट टावर हम बिल्ड करते हैं सो वो लोकल पॉपुलेशन को सूट होना चाहिए दैट शुड बी योर प्रायोरिटी वेन यवर यू आर प्लानिंग द हाउसिंग स्कीम्स देन केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देर इज नो डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स सिंस इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द लाइफ ऑफ सिटीजन सिटीजेंस अब एक मेंटेलिटी हो गई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर कहीं पर स्लम एरिया डेवलप हो रहा है सो दैट शुड नॉट हैपन यू शुड टेक केयर दैट

प्लानिंग द हाउसिंग स्कीम्स फॉर द टाउन तो देखो पहला हाउसिंग स्कीम क्या हो सकता है इंडिपेंडेंट हाउसेस विच आर ऑल्सो हाउसेस जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो दिस इज नाउस विच इज ऑल्सो नोन एज डिटैच डिटेच मतलब क्या किसी से चिपका हुआ नहीं है और किसी से जुड़ा हुआ नहीं है डिटेच है सेपरेट है तो ऐसे हाउस को हम क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट हाउस। हाउसिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। हम लोग हाउसिंग के स्टाइल्स देख रहे इंडिपेंडेंट हाउसेस तो जिसे हम और किस नाम से जानते हैं डिटेच हाउसेस देन सेमी डिटेच हाउसिंग देखो ये दोनों साइड से डिटैच नहीं है सिर्फ एक साइड से डिटेच है और एक साइड से क्या हुआ है ये अटैच है अटैच का अपोजिट वर्ड है वो है ना सो so, ये दोनों साइड से डिटैच नहीं है तो इसको हम बोलते हैं मतलब पूरा detached नहीं है, है, सिर्फ एक से detached है और एक से से और चिपका हुआ है, किसी को जुड़ा हुआ है attached है. Then, walk -up apartments, अब ये walk -up apartments क्या होते हैं? जी प्लस थ्री फ्लोर्स एंड वन स्टेयर केस बट नो लिफ्ट सिंपल सिंपल वॉकअप अपार्टमेंट्स हम किसको बोलेंगे

क्या है यू नो दब्लिक बिल्डिंग्स शुड बी वेल ग्रुप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टाउन ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और ऐसा ग्रुपिंग करना चाहिए एक्सेसिबल टू ऑल दूटर्स ऑल द पीपल ऑफ द टाउन और ये प्रॉपरली ग्रुप होना चाहिए इसकी ग्रुपिंग प्रॉपर होना चाहिए मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो रेजिडेंशियल जोन में आपने कमर्शियल को घुसा दिया फिर पब्लिक बिल्डिंग्स को ऐसी जगह पे घुसा दिया कि जहाँ पर स्कूल के बाज़ू ही आपने कुछ और ऐसा चीज दे दिया मतलब प्रॉपर उसकी प्लानिंग होना चाहिए स्कूल बाजू में पुलिस स्टेशन इधर से आपने मान लो दे दिया सुपर मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इधर से हॉस्पिटल दे दिया और इधर से आपने ऐसी चीज दे दी है जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो सकता है, noise हो सकता है तो दैट शुड नॉट है पब्लिक बिल्डिंग्स वाइलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स शुड भी अवॉइडेड एक जगह पर ही बहुत ज्यादा पब्लिक बिल्डिंग्स एक जगह पर ही बहुत ज्यादा सेम टाइप की बिल्डिंग्स या बहुत ज्यादा एक, एक जगह पर ही ऐसा हमने अवॉइड करना चाहिए देन फैक्टर पार्किंग फैसिलिटीज रोड विथ्स हैव टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल स्पेस फॉर द पब्लिक बिल्डिंग्स ये बहुत ज्यादा इशू देखने को मिलता है इवन यू आर प्रॉपरली टाउन्स एक ये होता है कि पार्किंग फैसिलिटीज बहुत सारी जगह पर बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स के पास भी नहीं होती है सो हमें डिजाइन ही ऐसा करना चाहिए उसको कि प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी हर किसी को मिल जाए रोड विथ इतना छोड़ दिया जाए सो दैट प्रॉपरली वॉक जो वाइज होते हैं उनको भी प्रॉपर स्पेस मिल जाए ये सब चीजें कंसिडरेशन में लेना चाहिए देन इसमें देखो एक है डिपेंडेंट बिल्डिंग एंड इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स वो मैं बता देता हूँ फर्स्ट डिपेंडेंट बिल्डिंग देखते हैं हम दिस बिल्डिंग्स आर दोज हुज फंक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर सच एज सिविक सेंटर्स आर्ट गैलरी अब क्या है ऐसे बिल्डिंग्स जिसका दूसरों से रिलेशन हो सकता है हुज फंक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर